यूं तो मेरा तखत है भाई ब्रह्मचारी, देख लियो तू ना बताऊंगा। अरे ये जो बिस्तर लाग रहे हैं अब नहीं लग रहे, दिखा दे भाई शांतनु एक बार, इनना मतलब दिखाइए ये बिस्तर, बिस्तर दिखा दिए, दिख रहा है निकाल ले फोन, कोई दिक्कत ना है। भाई ये जो बिस्तर लग रहे हैं, ये जो लग रहे हैं ये हमारे ब्रह्मचारियों के, यार ये मेरा तखत है, हम साथ में रहते हैं, यहीं साथ में रहते हैं, साथ में सोना है, साथ में उठना बैठना, इनके बीच में ही रहना है, तो मेरी 24 घंटे की निगरानी है, सवेरे उठेंगे तो साथ में, ये नहीं कि कहीं जाकर सो जाएंगे। हमने ये बेडरूम खत्म कर दिए, खत्म बेडरूम आना है, नौजवान खत्म कर दिए, माँ बाबू का न्यारा बेडरूम, छोरा देखे मोबाइल में है, चलावा बड़ी आड़ी फिल्म है, और माँ बाबू की अपनी फिल्म चल रहे हैं, छोरे की अपनी चल रहे हैं, है? लेकिन भाई यहाँ ये सौदा बंद कर दिया है, यहाँ मैं भी साथ में, हमारे ब्रह्मचारी भी साथ में, पहली बात। दूसरी बात, मोबाइल की कोई अनुमति नहीं है, अंधे जमा हुआ मोबाइल, याद रख लियो भाई, सुन लियो ध्यान से। तीसरी बात, यह कंपटीशन वाले के लिए कोई स्थान नहीं भाई, यहां स्थान है उसके लिए जो यहां ऋषियों की विद्या पढ़ना चाहता है, व्याकरण पढ़ना चाहता है, या फिर जो कहता जी मुझे ऋषियों की विद्या जाननी है, वैदिक सिद्धांत जानने हैं, यज्ञ हवन सीखना है, समय से उठना, व्यायाम आदि अपनी दिनचर्या भी ठीक करनी है, और यहां भाई जिसका पढ़ने का मन है, जो पढ़ सकता है उसका मन लागेगा, ना तो यहां बोर हो जाओगे, क्यों सोन मैं दू नहीं, अब सब बदन कुकर टेम कटा और मेरे सेम ही रहना। यदि किसी का पढ़ने की रुचि है, जिसने पढ़ना है, मंत्रों को सीखना है, याद करना है और चीजें सीखनी है, हम चलाते हैं अलग अलग, तो वह उनको है यहां अनुमति, जो हाँ वो आ सकता है कुछ समय के लिए आना चाहिए, आ सकता है 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, और यहां जो आएगा भाई उसका 2-3 चीजें आंदे तो उसका फोन ले लिया जाएगा, पहली बात सुनाएगी। दूसरी बात सुन लो, उसका मुंडन कर दिया जाएगा, बाल काट दिए जाएंगे, मोटी चोटी और मुंडन, अभी तो इनका प्रोसेस शुरू होगी, अभी ये ताजे ताजे आए हैं, 2 काम। और तीसरा, वस्त्र भी इसको ऐसे ही हम शुरू करेंगे जैसे मेरे ना उत्तरी और कटी है, ऐसे वस्त्र, तो इन चीजों का ध्यान रखना। फिलहाल ज्यादा बड़ी बिल्डिंग हमारे पास है नहीं, ठीक है ना, एक अलग से वीडियो भी बनाएंगे यहाँ की व्यवस्थाओं पे, दिनचर्या पे अलग से। तो मैं अब आपको कुछ बातें और गुरुकुल की बताना चाहता हूँ। देखो यहाँ पर जो विद्यार्थी या जो नौजवान कुछ पढ़ा लिखा है, जिसकी अपने धार्मिक ग्रंथों में, अपने शास्त्रों में, ऋषि मुनियों में, अपनी संस्कृति में, अपने देश धर्म में रुचि है, और वो चाहता कि मैं अधिक से अधिक स्वाध्याय करूं, अधिक से अपनी पुस्तकें पढूं, शास्त्रों की, ऋषियों की बातें मैं जानूं, ऐसा नौजवान हमारे पास कामयाब है। अब कुछ पढ़ा लिखा है नहीं, पढ़ाई छोड़े बहुत दिन हो गए हैं, पढ़ने में रुचि है नहीं, अब वो हमारे पास कैसे टाइम काट पाएगा, हमेशा साथ में रहना, मोबाइल पास में है नहीं और सोने हम देते नहीं, तो पूरा दिन उसका कटना मुश्किल हो जाएगा, वो बोर हो जाएगा, अब पूरा दिन वो काम भी नहीं कर सकता क्योंकि बाहर धूप होती है। अब असली बात क्या है, जो नौजवान कहता जी मुझे पूरा व्यस्त रहना है, मुझे स्वाध्याय करना है, मुझे मंत्रों को सीखना है, मंत्रों को याद करना है, मुझे यज्ञ सीखना है, मुझे संध्या सीखनी है, संध्या के अर्थों को मुझे कंठस्थ करना है, मतलब मैं अपने आप को पूरा व्यस्त करना चाहता हूँ, ऐसा जो नौजवान है वो कामयाब है। सुबह हम जैसे बड़ा लंबा हमारा संध्या उपासना यज्ञ चलता है कि मुझे वो सारी चीज़ें सीखनी हैं, और कंपटीशन वाले को समस्या क्या आएगी, कंपटीशन वाला होगा पहली बात तो वो हमारी दिनचर्या रहेगी, कभी इनको यज्ञ के मंत्र सिखा रहे हैं, कभी संध्या सिखा रहे हैं, कभी इनको कुछ और संभाषण सिखा रहे हैं, कभी कुछ, तो उसको समय नहीं मिलेगा, फिर समय मिलेगा तो उसकी कार्य में ड्यूटी है, भोजन बनाने में लगा हुआ है, कभी कोई प्रयाय है, कभी कोई प्रयाय, तो इस तरह फिर हमें कष्ट होगा कि कंपटीशन की तैयारी करने के लिए आया था लेकिन हम इसको समय नहीं दे पा रहे, तो इसलिए कंपटीशन वालों के लिए तो हम अभी यहाँ रोका हुआ कि हमें कष्ट ना हो,
भाई जिस उद्देश्य के लिए आया था हम वो इतना समय इसको नहीं दे पा रहे हैं। तो एक और बात है, यहाँ शौचालय के लिए, जैसे शौचालय के लिए बाहर व्यवस्था है, वो बाहर जाते हैं एक खोदने खुरपी आदि से गड्ढा छोटा सा बनाया, उसमें शौच किए, ढकया और वहीं बोतल में पानी आदि ले गए। तो बाहर पूरा जंगल है, यहाँ बाहर शौच के लिए जाते हैं। गुरुकुल के अंदर शौचालय में जाने की अभी व्यवस्था ऐसी नहीं है, तो इसलिए हमारे पास वही नौजवान आ सकते हैं जो कहे जी मैं सुबह 3:45 पर उठूँगा, दिन में नहीं सोऊँगा, मैं मंत्रों को भी याद करूँगा, मैं गुरुकुल के कार्यों में भी सहयोग करूँगा इस तरह, और मैं मोबाइल का प्रयोग नहीं करूँगा। तो इस तरह का जो नौजवान है वो हमारे पास रह सकता है, भाई मुझे कुछ व्याकरण की भी चीज़ें सीखनी है, अष्टाध्यायी आदि, मतलब जो भी है, ऐसा जो नौजवान, मतलब मेरा सीधी बात यह, जो पढ़ने में पूरी रुचि रखता है कि मुझे पढ़ना है, चाहे वो स्वाध्याय करने की बात हो, ऋषियों की पुस्तकें भाई मैं स्वाध्याय करूं, या हमारी व्याकरण संबंधी अष्टाध्यायी आदि है या और जो पुस्तकें हैं, उसकी जो रुचि है, ऐसा हमारे पास नौजवान रुक सकता है, अन्यथा हमारे पास टाइम पास करना उसका मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मैं और बिस्तर साथ में है, एक साथ ही रहते हैं, एक साथ ही सोते हैं, एक साथ ही उठते हैं। हम जो गुरुकुल कुंभाखेड़ा चलाते थे वहाँ क्या होता था, मेरा अलग कक्ष होता था, मैं प्रचार में ही रहता था, और नौजवान अपने मोबाइल में लगे रहते थे, दिनचर्या में जैसे तैसे बुला लिए। तो अब यहाँ हम ऐसी भीड़ इकट्ठी नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम देखते हैं कि ये हमारे पास रुक पाएगा कि नहीं रुक पाएगी, उसकी योग्यता क्या है, तो उसकी सारी हम देखते हैं भाई, इसकी क्या कुछ क्वालिफिकेशन है, क्या कुछ शैक्षणिक योग्यताएँ हैं, कितनी आयु है, परिवार में कौन कौन, आदि आदि सारी चीज़ें देखते हैं, और उसके बाद देखते हैं हाँ ये रुक पाएगा, इसकी योग्यता है, और तो उसको बुला लेते हैं, अन्यथा हम ऐसा अभी गुरुकुल का खुले रूप में हमने गुरुकुल का पता नहीं दिया है। तो जो कोई भी यदि ऐसा आने का इच्छुक है तो 73570-76778-7357 टेलीग्राम पर मैसेज छोड़ेंगे, अपना पूरा बायोडाटा, अपनी फ़ोटो आदि सब भेजेंगे, तो तब उसके बाद हम आपको सूचित कर देंगे कि कहाँ गुरुकुल की लोकेशन है और कहाँ आपको आना है। हाँ, रहना सहना खाना पीना सब निःशुल्क है, कोई शुल्क नहीं है, और तो गुरुकुल का तो आपको दिखाया ही मैंने, फिर भी आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में आप पूछ सकते हैं, आपके मन में कोई प्रश्न हो तो जी कैसे कैसे क्या क्या रहेगा, तो कोई भी प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। तो मुख्य चीज़ें तो यही हैं भाई, फिर रिपीट कर देता हूँ, फिर दोहरा देता हूँ, यहाँ वही रुक सकता है जिसकी पढ़ने में रुचि है, जो मोबाइल छोड़ सकता है, जो सुबह उठकर व्यायाम कर सकता है, जो दिन में सोना बंद कर सकता है, और जो गुरुकुल के कार्यों में कार्य सहयोग कर सकता है, वही यहाँ पर आ सकता है, बाकी यहाँ पर नहीं आए रुक पाएंगे, वो जल्दी ही यहाँ से भाग जाएगा, ठीक है ना। और ये आप वीडियो देख रहे हैं, ये यहाँ हम पहाड़ पर चढ़े थे, पास में पहाड़ है, वहाँ ऊपर गए थे, तो वहाँ की वीडियो है ये, गुरुकुल के पास में ही। तो ठीक है जी, आप सबको बता दिया है मैंने, बाकी फिर भी कोई बात हो तो संपर्क कर लेना, कमेंट करना, मैं कमेंट देख लेता हूँ, यूट्यूब का कमेंट होगा, टेलीग्राम पे संपर्क कर लेना, या फिर टेलीग्राम चलता है, व्हाट्सअप तो आजकल मेरा ब्लॉक हो गया है, 7357076778 पर जो व्हाट्सअप चलता था ना वो ब्लॉक हो गया है, यदि किसी को जानकारी हो उसको अनब्लॉक करने की तो वो भी बता सकता है, सूचित कर सकता है। तो आजकल टेलीग्राम पर ही मैं रिप्लाई करता हूँ, टेलीग्राम का ही प्रयोग अधिकतर करता हूँ। तो ठीक है जी, ये गुरुकुल की कुछ कुछ आपको जानकारी दी मैंने, अपने नियम आदि जो भी हैं बताए यहाँ के, ठीक है ना, शौचालय के लिए बाहर जाना ही पड़ता है, आपने पता ही लग गया है। तो ठीक है, बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले रविवार को, नमस्ते जी।